कौन सा लॉ एंड ऑर्डर? अभी आप मेरे सामने खड़े हैं, आप मेरी हत्या कर दें या हम आपकी हत्या कर दें, कौन लॉ एंड ऑर्डर की समस्या? सीबीआई गई है, सुप्रीम कोर्ट देखेगी ये मामला, सर्वोच्च न्यायालय का है, सर्वोच्च न्यायालय देखेगी। सीबीआई गई है, सीबीआई का तो काम ही वही है तंग करना, तबाह करना। तो केंद्र सरकार तो अपने पालतू तोतों का इस्तेमाल इन सब कामों के लिए करती रहती है। तो जो नंबर टू की सोच ये है कि जनता को चुनाव में जो वादा करते हैं उसको आप जुमला करते हैं और दूसरे पर सवाल उठाते हैं। नीतीश कुमार जी ने जो भी वादा किया है आज तक बिहार की जनता को जो भी वादा उन्होंने किया है उसको 100% सर जमीन पर उतार दिया। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया है जिस वॉशिंग मशीन में काला से काला आदमी भी घुसेगा और एक मिनट के अंदर सफेद होकर निकलेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसादव की मुश्किलें बढ़ी हैं, 25 अगस्त को मामले पर सुनवाई होनी है। दरअसल आपको बता दें, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख इख्तियार करते हुए ये साफ अर्जी लगाई है कहते हुए कि लालू प्रसादव की जमानत जो है उसे रद्द किया जाए। लालू प्रसादव जमानत पर हैं, चारा घोटाला के विभिन्न मामलों में उन्हें सजा हुई थी, लेकिन उसके बाद जब उन्हें बेल मिली तो लालू प्रसादव की मुश्किलें कम हुई। लेकिन एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन दिनों आप देख रहे हैं विपक्षी नेताओं का महाजुटान भी हो रहा है, अगले साल लोकसभा चुनाव है। अब ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने खूब हुंकार भरी है। अमित शाह ने जो पिछले दिनों तंज कसा था ललन सिंह पर, उस पर भी क्या कुछ जवाब दिया है, जरा सुनिए। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर? अभी आप मेरे सामने खड़े हैं, आप मेरी हत्या कर दीजिए या हम आपकी हत्या कर दें, ये कौन लॉ एंड ऑर्डर की समस्या? भाई, लॉ एंड ऑर्डर में किसी की हत्या हुई है और कोई अगर हत्या हुई है तो हत्यारा पकड़ा जाएगा, ये कानून का काम है। लॉ एंड ऑर्डर तो खराब है मणिपुर में, 3 मई से वहां हिंसा हो रही है, प्रतिदिन हिंसा हो रही है। जो INDIA का जो प्रतिनिधि मंडल गया था उसमें मैं भी गया था और पूरे जो दोनों समुदाय के जो राहत शिविर हैं उन दोनों समुदाय के राहत शिविर में हम लोग गए थे। दोनों समुदाय में एक भी समुदाय का विश्वास वहाँ की राज्य सरकार पर नहीं है, डबल इंजन की सरकार है और 3 मई से वहाँ की हालत बेकाबू है, नियंत्रण नहीं हो कर पा रहे हैं और कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा भी तो लोक लिहाज रहना चाहिए। सीबीआई गई है, सुप्रीम कोर्ट देखेगी ये मामला, सर्वोच्च न्यायालय का है, सर्वोच्च न्यायालय देखेगी। सीबीआई गई है, सीबीआई का तो काम ही वही है तंग करना, तबाह करना। तो केंद्र सरकार तो अपने पालतू तोतों का इस्तेमाल इन सब कामों के लिए करती रहती है, उसी में एक काम ये भी है। सृजन के जांच में तेजी आनी चाहिए। अमित शाह ने आपको तंज कसते हुए लोकसभा में कहा था कि आप लोग जो षड्यंत्र रच रहे हैं जनता खूब समझ रही है। उनका षड्यंत्र जनता समझ रही है, वो तो जनता को जो वादा करता है आदमी, आप जरा बता दीजिए, जनता को किया गया वादा आप पूरा नहीं करिए और चुनाव के बाद कह दीजिए कि वो जुमला था। वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी हैं, 2015 में उन्होंने 7 निश्चय का वादा किया और 7 निश्चय में कौन निश्चय है जो नहीं पूरा हुआ? 7 निश्चय उन्होंने पूरा किया। 2020 में 7 निश्चय 2 की घोषणा उन्होंने की और 7 निश्चय 2 पर आज काम हो रहा है। और वो क्या 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 काम किए हैं, 2014 में 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, पूरे विदेश से काला धन वापस लाएंगे, हर गरीब के खाता में 15 से 20 लाख रुपया देंगे, और बाद में गृह मंत्री जी ने कहा कि चुनाव में ये सब जुमला कहा जाता है। तो जिस सरकार के वरीय नेताओं के गृह मंत्री तो नंबर टू माने जाते हैं ना भाई, तो जो नंबर टू की सोच ये है कि जनता को चुनाव में जो वादा करते हैं उसको आप जुमला करते हैं और दूसरे पर सवाल उठाते हैं। नीतीश कुमार जी ने जो भी वादा किया है आज तक बिहार की जनता को जो भी वादा उन्होंने किया है उसको 100% सर जमीन पर उतार दिया। सर भाई बता तो चुके हैं कि उनका काम ही यही है पालतू तोतों का इस्तेमाल करना,
70,000 करोड़ का प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुने हैं आप लोग? क्या आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं? अरे बोलिए ना जोर से, नहीं तो आपका भी रिकॉर्डिंग आएगा ना। बोलिए जोर से, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? 70,000 करोड़ महाराष्ट्र में घोटाला हो गया, आप काहे नहीं बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया है जिस वॉशिंग मशीन में काला से काला आदमी भी घुसेगा और एक मिनट के अंदर सफेद होकर निकलेगा। तो महाराष्ट्र में उसी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया उन्होंने। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि इस वॉशिंग मशीन का जो आविष्कार आपने किया है, इसका मार्केटिंग पूरा दुनिया में करिए। अररिया में इससे पत्रकार की हत्या कर दी गई है। अररिया में जो पत्रकार की हत्या हुई है, उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति पूरी संवेदना है। और आप सबको मालूम है, कल मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि प्रशासन को उन्होंने आदेश दिया है कि पूरा सख्ती से उसकी जांच करें और गिरफ्तार करें। और हम समझते हैं कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी और गिरफ्तारी करेगी। बीजेपी इसी पर कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, बिहार में ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत रंजिश के कारण किसी की कभी कोई हत्या होती है, और होती है तो उस पर कार्रवाई होती है और गिरफ्तारी होती है। यह कानून व्यवस्था नहीं है। कानून व्यवस्था तो मणिपुर का खराब है, जिस पर हम विस्तार से आप लोगों को बता चुके हैं। लेकिन उन पर उस पत्रकार की हत्या हुई है, पहले उनकी भाई की भी हत्या हुई थी जो हमने अखबार में देखा है, और रंजिश के कारण हत्या हुई है आज अखबार में जो हमने देखा है। उससे लगता है कि पुलिस प्रशासन बहुत नज़दीक है, और जैसा आप लोग ही बता रहे हैं कि 4 आदमी की गिरफ्तारी भी हो गई। तो इस तरह से हत्या होती है, घटना होती है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। और तो JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है, लालू प्रसाद का मुद्दा हो या फिर अमित शाह पर पलटवार करना हो, वो आपने सुना है इस वीडियो के माध्यम से। बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर जब सवाल खड़े कर रही है बीजेपी, उस पर भी ललन सिंह ने क्या जवाब दिया आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर? अभी आप मेरे सामने खड़े, आप मेरी हत्या कर दें या हम आपकी हत्या कर दें, कौन लॉ एंड ऑर्डर? सीबीआई गई है, सुप्रीम कोर्ट देखेगी ये मामला, सर्वोच्च न्यायालय का है, सर्वोच्च न्यायालय देखेगी। सीबीआई गई है, सीबीआई का तो काम ही वही है, तंग करना, तबाह करना। तो केंद्र सरकार तो अपने पालतू तोतों का इस्तेमाल इन सब कामों के लिए करती रहती है। तो जो नंबर 2 की सोच ये है कि जनता को चुनाव में जो वादा करते हैं उसको आप जुमला करते हैं और दूसरे पर सवाल उठाते हैं। नीतीश कुमार जी ने जो भी वादा किया है, आज तक बिहार की जनता को जो भी वादा उन्होंने किया है उसको 100% सरजमीन पर उतार दिया। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया है जिस वॉशिंग मशीन में काला से काला आदमी भी घुसेगा और एक मिनट के अंदर